सुन्नी इतिहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामेंट के मामलात अदालतों में लाए जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सियासी जमात का सर्टिफिकेट लेने वाले आज़ाद कैसे कहलाए जा सकते हैं? आज़ाद उम्मीदवार पीजीआई में शामिल हो सकते थे। बल्ले के निशान वाले फैसले पर तासुर दिया गया। सियासी जमात खत्म हो गई। जमहूरियत का जनाजा निकल गया। आवाम ने किसी उम्मीदवार को नहीं उन उम्मीदवारों को वोट दिया था जिनकी एक जमात हिमायत कर रही थी। बैठे इसलिए आईन और कानून देखने के लिए, ईसीपी ये कर दें या एक आप उधर से करवा लें, उनका आदमी जाके उनसे कुछ करवा लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप क्या सिंबल लेने के बाद उसके जो बकाया हकूक इलेक्शन लॉज में दिए गए थे, क्या वो हकूक भी सल्व हुए या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती थी, वो सर्टिफिकेट कैंडिडेट को जारी कर सकती थी, वो कैंडिडेट को मुकर्रर कर सकती थी, ये सारी बातें, क्या उसका इम्पैक्ट सिर्फ ये था कि सिंबल जो कि एक पार्टी को सहूलत के लिए दी जाती है कि आप कंपेन चला सकते हैं, इसके अलावा उसकी क्या रिपरकशन, जिसको पेश ऐसा किया गया कि पार्टी खत्म हो गई और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, क्या ये सारी बातें हैं? ये अंडर आर्टिकल 17 एज अ फंडामेंटल राइट इज वेरी वेरी हाई एंड इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड डायनेमिकली एंड प्रोग्रेसिवली। यस, नेगेटिवली डू नॉट गिव देम एनीथिंग मोर। यस, बट पॉजिटिवली द वन who is entitled to that, you must give him the reserve, that yes. party the reserve seats. आपने पहले ज्वाइन किया एक स्टेप जी, फिर आपने कहा अब हमने ज्वाइन कर लिया है, अब हमें पार्टी की सीट रिजर्व सीट, तो मुझे डेट्स चाहिए। आपने ज्वाइन कब किया और ईसीबी ने आपको ले लिया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।